हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, आज हम लेखपाल भर्ती की परीक्षा के लिए एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इस टॉपिक से निरंतर परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यहां से प्रश्न बनेंगे तो आज की क्लास को पढ़ने के बाद आपका प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने आप सभी को पादप हार्मोन पढ़ाए और विटामिन के कुछ ट्रिक और कॉन्सेप्ट पढ़ाए, जिसको आप सबने बहुत पसंद किया। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और देखिए, आज हम फिर एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो लेखपाल की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और इस टॉपिक का नाम है फलों और सब्जियों में विभिन्न रंग और तीखेपन या कड़वेपन या कसैलेपन या चरपराहट के कारण। जी हां, ये ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार प्रश्न बन चुका है। जैसे टमाटर का लाल रंग आपको पता होगा, लाइकोपीन। चुकंदर का लाल रंग क्यों होता है, तो विटामिन। या फिर सेब का लाल रंग, या लहसुन जब भी हम खाते तो उसमें स्मेल आती है। प्याज हमारी आंखों में लगता है, कसैलापन होता है। और आलू पर जब भी प्रकाश पड़ता है सूर्य का तो आलू हरा हो जाता है, तो आलू में हरा रंग क्यों होता है, इन सब टॉपिक्स को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि फलों और सब्जियों में विभिन्न रंग। तो पहले शुरू करते हैं फलों और सब्जियों में। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सब लोग ये पॉइंट्स, ये टॉपिक यहीं पढ़ें और एक ही क्लास में याद कर लें। तो फलों और सब्जियों में विभिन्न रंग होते हैं। कुछ सब्जियां पीली होती हैं, कुछ हरी होती हैं, कुछ लाल होती हैं। यही टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप लोग इसको व्यवहार में लाएंगे, इस टॉपिक को बार बार अगर देखेंगे, चर्चा करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग आसानी के साथ याद कर सकते हैं। मैं इसमें आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा याद करने की, कुछ तरीके बताऊंगा याद करने के लिए, और जीव विज्ञान की शाखाएं और मात्रक कुछ ऐसे ट्रिकी चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो लेखपाल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहेंगे, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फलों और सब्जियों में विभिन्न प्रकार के रंग क्यों होते हैं और तीखापन क्यों होता है। सो गाइज, आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे फलों और सब्जियों में विभिन्न रंग क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम रंगों के बारे में आप सभी से चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, जैसे कि शुरू होता है क्लास हमारा, अब सेब कैसा होता है, रंग में लाल होता है, सेब का लाल रंग। या फिर सेब के लाल रंग के साथ साथ प्याज का लाल रंग, प्याज भी लाल रंग का होता है, प्याज का लाल रंग। या फिर गाजर दो प्रकार की होती है, एक लाल होती है और एक नारंगी होती है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, और यहां जो नारंगी रंग की गाजर होती है वो पूरे वर्ष प्राप्त होती है, लेकिन जो लाल रंग की गाजर है वो केवल एक ही सीजन में मिल पाती है। तो देखना यह है कि ये तीनों में कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो इनको लाल रंग प्रदान करता है। सो गाइज, देखिए, इसमें होता है एंथोसाइनिन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एंथोसाइनिन। यदि आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो और ये टॉपिक आपको आसानी से याद नहीं होता, तो आप अपने दोस्तों से इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जब आप दोस्तों से चर्चा करेंगे बार बार कि हाँ यार, सेब लाल होता है, या फिर गाजर भी लाल होती है, या जो है प्याज लाल है, तो ये किस रंग से होते हैं, किस पिगमेंट्स होते हैं, यानी इनमें लाल रंग किस पिगमेंट्स होते हैं, तो आपका तुरंत यही पर पॉइंट बन के आएगा, एंथोसाइनिन। ये सभी क्या होते हैं, एंथोसाइनिन से लाल रंग के होते हैं। अब हम गाइस आगे बढ़ेंगे और देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, टमाटर का लाल रंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से पता होगा, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि
कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, टमाटर में लाल रंग क्यों होता है। तो टमाटर का लाल रंग गाइस ये होता है लाइकोपिन से। देखिए इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं यहीं पर, लाइकोपिन। तो देखिए लाइकोपिन, अब इसे हम कैसे याद करें परीक्षा में कि हमें याद रहे, बहुत से लोग याद नहीं कर पाते। तो देखिए ला से लाल होता है और ला से लाइकोपिन है। तो देखिए पहले ही ला शब्द आया, ला अक्षर आ चुका है, तो ला से लाल, ला से लाइकोपिन। तो आप इससे भी इसको समझ सकते हो। अदरवाइज देखिए हम लोग सैलेड खाते हैं या फिर सब्जियां खाते हैं तो टमाटर को हम बहुत लाइक करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, टमाटर को हम लाइक करते हैं, टमाटर को सभी क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो लाइक से क्या हो गया, लाइक से हो गया लाइकोपिन। मान लीजिए अगर आप टमाटर को डिसलाइक करते हैं, अभी भाई कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बोल देते हैं हम डिसलाइक करते हैं, अगर आप टमाटर को डिसलाइक करते हैं तब भी यहां लाइक शब्द आ रहा है, लाइक से क्या हो जाता है लाइकोपिन। या देखिए सभी लोग क्या करते हैं, टमाटर को लाइक करते हैं, हर एक सब्जी में टमाटर का उपयोग होता है, या टोमेटो केचप बनता है दोस्तों, टोमेटो सॉस बनता है, या टोमेटो को हम सैलेड के रूप में प्रमुख रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे लाइक शब्द आ रहा है, तो लाइक से क्या बन जाएगा, लाइकोपिन। इसका मतलब यह है कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपिन से होता है। इसी क्रम में देखिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, आगे है चुकंदर का लाल रंग। चुकंदर भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो चुकंदर का लाल रंग क्यों होगा, ठीक, चुकंदर का लाल रंग। देखिए दोस्तों इस जो चुकंदर का लाल रंग है ये इसी में छिपा हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है, चुकंदर का जो इंग्लिश वर्जन, चुकंदर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। चुकंदर को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बीट कहते हैं। बीट का मतलब क्या होता है, चुकंदर। तो बस इसी बीट से आपको यहां शब्द को पकड़ना है। तो बीट से चुकंदर होता है, और चुकंदर लाल क्यों होता है, तो विटामिन से लाल होता है। देखिए आपको पॉइंट तुरंत मिल गया यहीं पर, यानी बीट अंग्रेजी शब्द है चुकंदर का, तो चुकंदर में लाल रंग क्यों है, तो बीट से विटामिन हो गया, और विटामिन के कारण ही क्या होता है, चुकंदर लाल रंग का होता है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे अगला जो पॉइंट्स आपका रहेगा वो ये है कि गाजर का नारंगी रंग है ना, गाजर का नारंगी रंग। मैंने आपसे कहा था गाजर में क्या होता है, गाजर में होता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, और ये नारंगी रंग की जो गाजर होती है पूरे सीजन यानी पूरे वर्ष हमें ये प्राप्त होती है। तो गाजर का नारंगी रंग आपको देखना है। तो गाजर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, गाजर को हम अंग्रेजी में कहते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम कहते हैं कैरेट। तो कैरेट मींस क्या होती है, गाजर होती है। बस कुछ नहीं करना, वही कैरेट को आप कैरोटीन कर दो। जब कैरेट को आप कैरोटीन कर दोगे तो आपका जो इसका आंसर होगा वो आपके सामने निकल करके सामने आ जाएगा। तो गाजर का जो नारंगी रंग है वो कैरोटीन नामक पिगमेंट से आता है, और गाजर को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, कैरेट कहते हैं। उसी कैरेट से आप कैरोटीन शब्द बना सकते हो। देखिए याद हमको करना है तो लॉजिक भी हमको ही ढूंढना पड़ेगा, और लॉजिक जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक ये हमको याद नहीं हो पाएंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे हल्दी है गाइस। हल्दी कैसी होती, पीले रंग की होती है। तो हल्दी का पीला रंग हम देख रहे हैं, हल्दी का पीला रंग। तो हल्दी पीले रंग की होती है, एक्चुअली में जो हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की गांठें जो होती हैं उनका जो शेप होता है वो कुरकुरे की तरह होता है। कैसे होता है, कुरकुरे के जैसा होता है। और हल्दी का जो पीला रंग है वो कैसे होता है, कुरकुमिन से होता है, कुरकुमिन या कुकुरमिन, तो कुरकुमिन से होता है। और जो हल्दी की गांठें होती हैं यानी कि हल्दी की गांठ जो होती है वो गांठ कुरकुरे के जैसी होती है, कुरकुरे जैसी।
तो कुरकुरे जैसी हल्दी की गांठ होती है, उसी कुरकुरे से आप कुरकुमीन का शब्द जो है बना सकते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो वह अंतर नहीं कर पाएगा कि ये हल्दी है कि, मान ले कोई छोटा सा बच्चा है उसको आप हल्दी की गांठ दे दीजिए, तो हल्दी की गांठ देख करके कभी वो अंतर नहीं कर पाएगा कि हाँ कौन सी हल्दी है कौन सा कुरकुरे है। तो जो हल्दी की गांठ होती है कुरकुरे जैसी ही होती है, तो हल्दी का पीला रंग क्यों है, ये कुरकुमीन से होता है, ये आपको भूलना नहीं है। और हाँ एक पॉइंट्स और यहां से पूछ देता है, तो जैंथोफिल, जैंथोफिल से भी क्या होता है, जैंथोफिल से भी हल्दी में पीला रंग उत्पन्न होता है। तो पॉइंट्स आपके सामने है, सेब का लाल रंग या प्याज का लाल रंग या गाजर का लाल रंग ये एंथोसाइन नामक पिगमेंट्स होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन से होता है, चुकंदर का लाल रंग बीटानिन से होता है, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन से आ जाता है, और वहीं हल्दी का जो पीला रंग है वो कैसे आता है, वो कुरकुमीन या जैंथोफिल से आता है। फिर इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो आगे देखिए हमारे कुछ पॉइंट्स और बनते हैं, लाइक पपीता होता है ना, पपीते का पीला रंग कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करें पपीता का पीला रंग, पीला रंग, तो एक चीज आप समझ लीजिए, जब पपीता पक जाता है तो ऑलरेडी वो पीले रंग का हो जाता है ना पकने के बाद। अब दोस्तों पपीता पीला क्यों होता है, तो ये होता है कैरिका जैंथिन से, कैरिका जैंथिन है ना, जो पपीता पीला होता है वो कैरिका जैंथिन से होता है। हमारे यहां एक डिश है करी, चावल से बनती है तो हम लोग करी चावल खाते हैं, जो करी होती है वो भी पीले रंग की होती है, कैसी होती है, पीले रंग की होती है ना, करी जो होती है पीले रंग की होती है, और पपीता पकने के बाद कैसा होता है, पीले रंग का होता है, यानी करी के जैसा होता है। कैसा होता है पपीता, पपीता करी के जैसा होता है, करी के जैसा। तो देख लो भैया पपीता पकने के बाद करी के जैसा होता है, तो करी के जैसा कैरिका जैंथिन, ये वर्ड काफी मैच कर रहा है। यहां से आप पॉइंट्स को अपने बना सकते हो, को पपीता का पीला रंग करी का जैंथिन यानी करी के जैसा होता है। एंड गाइस अगर हम आगे देखें तो जो हमारा अगला है पॉइंट्स वो क्या है, वो है प्याज का पीला रंग। तो यदि आप सोच रहे हो कि प्याज पीला कहां होता है, सर कैसे कह रहे हैं कि प्याज का पीला रंग, तो कभी भी आप प्याज को काट कर छोड़ दीजिए। तो जब प्याज को काट कर आप छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, वह प्याज कुछ देर बाद पीली पड़ जाती है ना। तो वही जो काट कर छोड़ने के बाद प्याज में पीला रंग उत्पन्न होता है, वो पीला रंग एक्चुअली में किस पिगमेंट से आता है, तो इस पिगमेंट्स का नाम है क्वेरसीटोन, क्वेरसीटोन। और क्वेरसीटोन से क्या होता है, पपीता पीला होता है मान लीजिए, सॉरी क्वेरसीटोन से क्या होता है, प्याज का रंग पीला होता है। मान लीजिए अभी ऐसा हो जाए कि प्याज जो है, प्याज कोई खा करके उसको प्याज इतनी लगे कि गुस्से में कुर्सी तोड़ दे, तो कुर्सी तोड़ और क्वेरसीटोन, वैसे कोई ज्यादा मैच तो नहीं कर रहा लॉजिक, लेकिन आप इसको बार बार अगर बोलेंगे कुर्सी तोड़ प्याज, तो क्वेरसीटोन शब्द यहां पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे पॉइंट्स क्या है गाइस, आगे पॉइंट्स है आलू का हरा रंग। वैसे देखिए आलू कॉमन हरा रंग का नहीं होता है, लेकिन जब आलू पर सनलाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो आलू क्या होता है, हरे रंग का हो जाता है। तो उस आलू में हरा रंग क्यों होता है, देखिए सबसे पहली बात, आलू क्या है, वो सोलेनेसी परिवार का है, सोलेनेसी फैमिली का है आलू, है ना, इन सबका भी परिवार होता है। तो आलू क्या है, सोलेनेसी परिवार का एक पौधा है। ध्यान रहे आलू कंद है यानी कि तना है, क्योंकि क्या है ये स्तंभ कंद है, स्टेम ट्यूबर मिट्टी के अंदर होता है। दोस्तों आलू कहां होता है, मिट्टी के अंदर होता है, और मिट्टी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो देखिए सॉइल से क्या हो गया, सोलेनेसी, यानी आलू हरा क्यों है, तो आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन से, और देखिए सोलेनिन, सोलेनिन
या सोलेनेसी या फिर सॉयल। इतने शब्द आपको याद कराने के लिए काफी हैं कि आलू किस परिवार का है, सोलेनेसी परिवार का है। सोलेनेसी से क्या हो गया, सोलेनिन हो गया। या आलू कहां होता है, सॉयल में होता है, सॉयल में होता है, तो सॉयल से क्या हो गया, सोलेनेसी हो गया। या देखिए जो आलू हरे रंग का होता है, अगर कोई व्यक्ति उस आलू को खा लेता है तो उस व्यक्ति में सोने की बीमारी हो जाती है, यानी दोस्तों अनिद्रा रोग होता है, तो सोने की बीमारी सोलेनेसी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप आलू को याद कर सकते हो कि आलू सॉयल में होता है तो सोलेनेसी, सोलेनिन होता है, आलू क्या है सोलेनेसी परिवार का है तो सोलेनिन हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए आगे है मिर्च का हरा रंग। देखिए दोस्तों मिर्च क्या होती है, एकदम थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, तो मिर्च का हरा रंग क्यों होता है, ये पॉइंट्स आपको देखना है। तो ये एक्चुअली में होता है कैप्सेंथिन से, कैप्सेंथिन से मिर्च क्या होती है, ये हरे रंग की, ये जो है हरे रंग की होती है। इस पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि मिर्च में हरा रंग क्यों होता है, ये कैप्सेंथिन से होता है। या देखिए कहीं कहीं किताबों में ये भी मिलता है कि मिर्च का लाल रंग क्यों है, कैप्सेंथिन से। एक्चुअली में जब मिर्च हरी होती है तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट होता है, बाद में वो पिगमेंट में बदल जाता है। तो मिर्च का लाल रंग या मिर्च का हरा रंग दोनों आप यही बताओगे, इस बात का आप ध्यान देना। तो मिर्च में हरा रंग क्यों है, कैप्सेंथिन से। आपने सुना होगा कैप्सिकम के बारे में, कैप्सिकम, और कैप्सिकम आप किसको बोलते हो, आप बोलते हो शिमला मिर्च को। तो देखिए जहां शब्द आएगा कैप्स, तो क्या कहोगे आप, कैप्स जहां शब्द आया वहां तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैप्सिकम। कैप्सिकम का मिर्च मतलब क्या होता है, मिर्च। तो मिर्च पतली होती है, थिन होती है, और लास्ट में देखिए क्या है, थिन लिखा हुआ है, तो कैप्सेंथिन। तो मिर्च में हरा रंग क्यों उत्पन्न होता है, कैप्सेंथिन से होता है, ध्यान रहे। अगर लाल रंग भी पूछता है मिर्च का क्यों होता है, तब भी आप कैप्सेंथिन बताओगे, भूलना नहीं है। अगर दोस्तों हम आगे बात करें तो देखिए आगे दूध, दूध कैसे होता है, सफेद रंग का होता है। तो दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग, दूध कोई सब्जी नहीं है लेकिन पॉइंट्स इसी में आज को देख लीजिए। तो दूध का सफेद रंग क्यों होता है, ये पॉइंट्स आपको समझना है। देखिए पहली बात, जो दूध है वो हमको कहां से मिलता है, मवेशियों से मिलता है, और मवेशियों का पालन कौन करता है, किसान करता है। मवेशियों का पालन कौन करता है, किसान करता है। तो दूध का सफेद रंग क्यों होता है, केसिन से होता है, नया पॉइंट्स है ना, कैसे होता है, केसिन से होता है। फिर देखिए जो तेल होते हैं, जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, तो तेलों का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है, तेलों का पीला रंग। आपको याद रहे तेलों का पीला रंग क्यों होता है, ये होता है कैरोटीनाइज्ड से, कैरोटीनाइज्ड। ये ऐसा पिगमेंट है जिससे तेल कैसे होते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार के ये सब्जियों के रंग थे। आइए हम आगे देखते हैं, सब्जियों में और फलों में कड़वाहट क्यों होती है, या तीखापन क्यों होता है, चरपराहट क्यों होती है। तो यहां पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूं, सब्जियों में तीखापन, तीखापन इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहां पर क्या लिया है, सबसे पहले हमने यहां पर लिया है सेब। दोस्तों पता होगा सेब हल्का कसैला होता है, तो सेब का कसैलापन, तो सेब का कसैलापन क्यों होता है, या सेब में कसैलापन क्यों होता है, ऐसे पॉइंट्स अगर आपके सामने आएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। जो सेब होता है वो उसमें होता है मैलिक एसिड, क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। तो मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल के कारण सेब में कसैलापन होता है, ये आपको बातें संज्ञान में रखनी है। अगर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आगे है आंवला। देखिए आंवला जो होता है वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। और आपने देखी होगी टेनिस बॉल, टेनिस बॉल भी कुछ हरे रंग की होती है, जो टेनिस बॉल होती है वो गोल होती है, हरे रंग की होती है। एक्चुअली में जो आंवले में कसैलापन है वो कैसे होता है, वो टैनिन से होता है।
अगर दोस्तों हम आंवले के पेड़ के बारे में सोचें तो बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, लेकिन उसकी टहनी पर बहुत सारे आंवला पाए जाते हैं। तो आंवला में कसैलापन टैनिन से होता है, और आंवला कहां होता है? आंवला होता है टहनियों पर। कहां होता है? ये होता है टहनियों पर। तो टहनी से क्या हो गया? टहनी से हो गया टैनिन, या जो जो आंवला होता है वो टेनिस के बॉल की तरह होता है। तो टेनिस, टेनिस का जो बॉल होता है हम कहेंगे टेनिस या टेनिन, है ना। आंवला कैसे होता है? टेनिस बॉल जैसा होता है। तो टेनिस से क्या निकल के आता है? टेनिन निकल के आता है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे अगर, तो देखिए खीरा हम लोग खाते हैं सलाद में या सब्जियों में ऐसे ही खाते हैं, तो खीरा में कड़वाहट, तो खीरा में क्या होती है? विशेष प्रकार की कड़वाहट हमको दिखाई पड़ती है। तो खीरा में कड़वाहट क्यों होती है? यह पॉइंट्स बन जाता है। अगर हम आप सभी से खीरे में कड़वाहट की बात करूं तो दोस्तों पहली पॉइंट्स, जो पहला पॉइंट्स हमारा यह है, जो खीरा होता है वो कुकुरबिटेसी परिवार का एक प्लांट है। कुकुरबिटेसी, जैसा कि आपको पता होगा कुकुरबिटेसी में खीरा, लौकी, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब इसी में आते हैं। और आपको पता होगा कि ये कुकुरबिटेसी फैमिली का है, लेकिन इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? कुकुम्बर। इसका नाम क्या है? कुकुम्बर। तो कुकुम्बर से या कुकुरबिटेसी से क्या हो गया? कुकुरबिटेसिन हो गया, है ना। इसका अंग्रेजी में नाम क्या है? कुकुम्बर नाम है ना, तो कुकुम्बर, तो कुकुम्बर से कुकुरबिटेसी, और कुकुरबिटेसी से क्या होता है? खीरे में कड़वाहट दिखाई देती है। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए सबसे बड़ी बात, हम लोग करेला खाते हैं दोस्तों। जो करेला होता है, करेला में भी कड़वाहट होती है। तो करेले में कड़वाहट का कारण क्या है, ये हमारा प्रश्न है। देखिए एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाता है मेमोर्डिकोसाइट। क्या होता है? मेमोर्डिकोसाइट। देखिए अब अगर हम बात करें मेमोर्डिकोसाइट की, तो आपको पता होगा सबसे जो अगर हम बात करें दोस्तों, तो शिक्षित यानी सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल। ये आपको पता है कि सबसे अधिक शिक्षित राज्य केरल है, तो इसका मतलब यह है कि केरल के लोगों की मेमोरी तेज है, है ना। कह सकते हैं कि केरल के लोगों की मेमोरी, मेमोरी क्या है? तेज है। तो मेमोरी से क्या हो गया? मेमोर्डिकोसाइट। और कहां के लोगों को? केरल के। तो केरल का मतलब करेला, और मेमोरी से क्या हो गया? मेमोर्डिकोसाइट। तो केरल के लोगों की मेमोरी क्या है? ये बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर लोग सबसे शिक्षित हैं, सबसे पढ़े लिखे हैं। तो करेले में कड़वाहट कैसे उत्पन्न होती है? ये मेमोर्डिकोसाइट से आती है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए, हम लोग मूली खाते हैं, तो मूली में तीखापन, तो मूली में तीखापन उत्पन्न होता है। मूली में तीखापन किसके कारण से उत्पन्न होता है? अगर हम मूली में तीखापन की बात करें तो मूली बिल्कुल सफेद रंग की होती है, जैसे आइस होता है, आइस का मतलब बर्फ, तो मूली बर्फ की तरह, आइस की तरह सफेद रंग की होती है। और अगर मान लीजिए कोई इस मौसम में मूली खा लेता है, तो उसकी जो बहुत आंसू निकलते हैं, और आंसू निकलने से क्या होता है, जो उसकी आई होती है वो सूज जाती है। तो ध्यान देना, मूली कैसा होता है? आइस के जैसा होता है। तो आइस से क्या हो गया? आइसोसाइनेट। क्या हो गया? आइसोसाइनेट। यानी दोस्तों आइसोसाइनेट के कारण मूली कैसी होती है? तीखी होती है। या देखिए ये मूली आइस के जैसी होती है, सफेद उजले रंग की, तो आइसोसाइनेट हो गया। या देखिए जब लोग मूली खाते हैं तो आई क्या होती है? उनकी सूज जाती है। या जब लोग मूली खाते हैं तो तीखा लगता है, आइस, ऐसे आवाज निकालते हैं। फिर देखें एक पॉइंट्स और आपका सामने यहां पर है, वो ये है कि मिर्च में चरपराहट। काफी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है,
कि मिर्च में चरपराहट क्यों आती है। मिर्च में चरपराहट, अगर मिर्च में चरपराहट की बात की जाए तो मिर्च में चरपराहट क्यों आती है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, देखिए वैसे तीखापन होता है लेकिन चरपराहट पूछा गया है। वही बात कैप्सिकम, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च। तो देखिए दोस्तों ये होता है कैप्सेसिन से होता है, कैप्से, जहां कैप्से शब्द आएगा समझना ये मिर्च की बात हो रही है, तो कैप्सेसिन है ना। देखिए सिन से समझना सन, जब कोई मिर्ची खाता है तो उसका जो कान होता है वो सुन्न हो जाता है बिल्कुल, है ना। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मिर्ची खा लेता है तो कान सुन हो जाता है, सीसी करता है और आंखें बंद कर लेता है। जब व्यक्ति आंखें बंद कर लेगा तो कुछ सीन दिखाई नहीं देता, तो सीन से कैप्सेसिन। और क्या है मिर्च में चरपराहट, तो दोस्तों मिर्च में चरपराहट क्यों है, ये होती है कैप्सेसिन से। आइए हम कुछ पॉइंट्स आगे देख लेते हैं, कुछ बड़े पॉइंट्स ऐसे हैं जो लगातार पूछे गए हैं। जैसे लहसुन का पूछता है कि लहसुन में गंध आती है, लहसुन में गंध क्यों आती है। अगर लहसुन में हम गंध की बात करें तो गाइस लहसुन में गंध क्यों होता है, सल्फर कंपाउंड होता है, सल्फर यौगिक, तो उस सल्फर यौगिक का नाम क्या है। देखिए मैं इसको याद करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, डेड्स को याद कर लीजिए। अगर डेड्स को याद कर लेंगे तो ये लहसुन यानी कि सन, लहसुन यानी सन कभी नहीं भूलेगा। तो डेड्स को याद कर लीजिए तो लहसुन यानी कि सन कभी भूलेगा नहीं। डेड्स का मतलब ये है कि डाई एलाइल, डाई सल्फाइड, डाई एलाइल, डाई सल्फाइड, ये आपको कभी ना भूलने वाला पॉइंट्स है। तो अगर आप डेड्स को याद कर लेंगे तो कभी भी सन यानी कि लहसुन आपको नहीं भूलेगा। फिर यही पॉइंट बनता है कि लहसुन का यानी लहसुन में तीखापन, लहसुन में तीखापन, लहसुन खाते वक्त हमको तीखा भी लगता है, लहसुन में तीखापन क्यों उत्पन्न होता है। अगर इसकी बात करें तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों एलाइसिन के बारे में, एलाइसिन, एलाइसिन एक ऐसा कारक है जिससे लहसुन क्या होता है, ये तीखेपन में क्या होता है, बदल जाता है। तो लहसुन में तीखापन कैसे होगा, एलाइसिन से होगा। फिर देखिए प्याज, प्याज में गंध, अगर प्याज में गंध की बात की जाए तो प्याज में गंध क्यों आता है भाई, तो सल्फेनिक एसिड का प्रकोप होता है तब इस पर आता है। तो सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक अम्ल, तो सल्फेनिक अम्ल से क्या होता है, प्याज में गंध उत्पन्न होती है। फिर पॉइंट बनता है जो प्याज है, प्याज में तीखापन आखिर क्यों आता है। अगर हम प्याज में तीखापन देखें तो देखिए आप सभी लोग की प्याज तीखी क्यों होती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप याद कर लीजिए APDS बस। अब आप सोचेंगे APDS क्या है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन उत्पन्न हो जाता है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। फिर देखिए दो पॉइंट्स और, एक सलजम, सलजम में कनकनाहट या सलजम में चरपराहट, सलजम में चरपराहट क्यों आती है, या हम लोग अरवी खाते हैं, यह भूमिगत सब्जी है, अरवी में क्या होता है, कनकनाहट होती है। तो अरवी में कनकनाहट या सलजम में चरपराहट, इन दोनों का कारण एक ही पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट,
कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण क्या होता है, सलजम या अरवी में क्या होती है, चरपराहट दिखाई देती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप सभी के लिए। मेरा प्रश्न यह है कि संतरे के छिलके में तीखापन क्यों होता है? संतरे के छिलके को जब हम आंखों में डालते हैं तो आंसू निकलते हैं, ऐसा क्यों होता है? बाकी इसके बाद हमें क्लास आपके लिए और लाएंगे जहां पर विभिन्न प्रकार के अम्लों के बारे में बात की जाएगी। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है या चने की पत्ती में बेंजोइक अम्ल होता है, चींटी और बिच्छू के काटने पे कौन सा अम्ल निकलता है, तो फॉर्मिक अम्ल निकलता है, अंगूर और इमली में टार्टरिक एसिड होता है। इस प्रकार से बहुत सारे अम्ल पूछता है और उनके स्रोत पूछता है। इसके बाद जो क्लास आपको मिलेगी वो अम्ल से संबंधित रहेगी। तो दोस्तों अगर आप लेखपाल की बैच में जुड़ने के इच्छुक हो तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पर संपर्क करें, आपको एडमिशन प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।